गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। हम लोगों ने यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जो टैक्सेस वाला जो था उन पे कौन कौन से टैक्सेस लगे हुए थे, क्या टैक्सेस थे, वो सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस rose about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. अब क्या हुआ था, जो फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो 1715 में 23 मिलियन था, लेकिन अब वो बढ़कर कितना हो चुका था 1789 में 28 मिलियन हो चुका था। This led to a rapid increase in the demand for food grains. अब क्या हो गया है, अब जब पॉपुलेशन यदि अगर बड़ा है तो जो फूड ग्रेन्स का डिमांड है वो भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब क्या हो रहा था, लेकिन जो ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा था, वो डिमांड से मिल नहीं पा रहा था। बिकॉज क्या हो रहा था कि फूड जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स था वो तो एज इट इज़ था, लेकिन क्या हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था। अब पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो ग्रेन्स का जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। अब वहाँ पर जो मेजर लोगों का स्टेपल डाइट क्या था, ब्रेड था। अब जैसे ही डिमांड बढ़ गया देन क्या होने लगा, जो ब्रेड का जो प्राइस था वो भी क्या होने लग गया, हाई होने लग गया, मतलब वो भी बढ़ने लग गया। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। अब मोस्ट ऑफ द वर्कर्स क्या थे, वो वर्कशॉप के अंदर एम्प्लॉयड काम करते थे, बट उनके जो वेजेस थे उनका जो सैलरी था वो बिल्कुल फिक्स्ड था, और वो वेजेस क्या था, वो बढ़ नहीं रहा था। बिकॉज अब क्या हो चुका है, महंगाई तो ऑलरेडी वहाँ पर इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन और महंगाई के साथ साथ में जो टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं वो भी उसी के साथ में इंक्रीज़ हो रहे थे, लेकिन लोगों की जो सैलरी थी वो बढ़ नहीं रही थी, वो वेजेस वहाँ पर एज इट इज़ थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइजिंग प्राइसेस। सी, अभी मैंने बताया आपको जो वेजेस थे वो एज इट इज़ थे लोगों के, वो बढ़ नहीं रहे थे प्राइस के अकॉर्डिंग। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। अब क्या होने लगा था, इसकी वजह से जो पुअर एंड रिच के बीच का जो गैप था वो और बढ़ने लग गया। थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्राफ्ट और हेल्प रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब क्या होने लग गया था, चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट कब होने लग गई, जब वहाँ पर ड्राफ्ट, वहाँ पर जो है सूखा पड़ गया, जो खेती जो वहाँ पे किसान जो खेती करते थे वहाँ पर क्या हो गया, सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ने की वजह से क्या होगा, अगर सूखा जहाँ पे पड़ जाएगा तो वहाँ पर खेती जो किसान को जो फसल जो मिलती है वो उतनी नहीं मिल पाएगी, और फिर क्या होगा कि ऑलरेडी पॉपुलेशन तो बढ़ चुकी है तो क्या वो अपनी उस डिमांड को मीट कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, और भी ज़्यादा रेट्स और भी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे फूड के। This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. मैंने अभी आपको बता दिया इसके बारे में कि मतलब सूखा पड़ने के बाद में अब क्या होगा कि वही जो है वो डिमांड नहीं फुलफिल कर पाएंगे तो क्या करेंगे, वो जो खाने की जो चीज़ों के प्राइस है वो बढ़ा देंगे, जो दूसरी चीज़ों पे जो टैक्सेस हैं वो भी वो इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसी तरीके से जो फ्रांस है उस समय अपना काम कर रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस उनको किसको हो रहा था, वहाँ पर जो थर्ड स्टेट था, जो कल हमने जिस थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ा था ना, ये वही थर्ड स्टेट है। तो सबसे ज़्यादा लॉस वहाँ पे थर्ड स्टेट को हो रहा था। मोस्टली जो फार्मर्स थे वहाँ के, जो लोग किसी के लिए काम करते थे है ना, उन लोगों को वहाँ पे जो लेबरर्स थे, जो सर्वेंट्स थे, उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा था। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। एनविसेजेस का मतलब होता है सोचना, प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेष सुविधाएं। इसका मीनिंग मैंने आपको कल भी बता दिया था। नाउ नेक्स्ट, इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैरसिटी। पीजेंट्स हमने कल देखा था, पीजेंट्स मतलब होता है किसान। अब ऐसा नहीं था कि जो टैक्सेस एंड फूड के जो रेट्स बढ़ रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि किसान ने उसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया हो, उसके लिए कोई विरोध नहीं किया हो। किसानों ने किया था, वर्कर्स ने भी किया था, बट ये उस लेवल तक नहीं किया था जिससे कि गवर्नमेंट उनकी वहाँ से जाग जाए, उस लेवल तक नहीं हुआ था। वो लोग पार्टिसिपेट करते थे, जो रिवोल्ट होते थे उसके अंदर वो लोग पार्टिसिपेट करते थे,
but they lack the means in the programs to carry out full scale measures that would bring about a change in the social and economic order. बट वो उस लेवल पे नहीं हो रहे थे कि वो वहाँ के सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर पर वो कुछ इम्पैक्ट डाल सकें. दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़. अब क्या होता था, किसान के पास में किसान और जो वर्कर्स होते थे जो थर्ड स्टेट के अंदर ये लोग आते हैं, इनके पास में इतने आइडियाज़ नहीं हुआ करते थे, ये लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं थे कि कोई बड़ा चेंज लेकर आ सकें. तो अब ये लोग किसके ऊपर छोड़ देते थे यही सब, जो थर्ड स्टेट के ही जो लोग होते थे ना, जो थोड़े से पावरफुल होते थे या जो थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर कर जो थोड़े से रिच हो जाते थे, रिच इन द सेंस कि जो किसान और जो वर्कर्स थे उनसे थोड़ा सा रिच जो हुआ हो जाया करते थे, तो ये लोग सब किसके ऊपर छोड़ दिया करते थे, थर्ड स्टेट के उन्हीं लोगों पर सारी चीज़ों को छोड़ दिया करते थे. द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्न द मिडिल क्लास हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स दैट वर इधर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. अब क्या होता था, ज़रूरी नहीं है कि जो थर्ड स्टेट था उसके अंदर से वर्कर्स और फार्मर्स लोग ही आए, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अच्छे प्रोफेशन के अंदर थे और जो थोड़े रिच भी हुआ करते थे, सच एज लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स. और उनका क्या मानना था, All of this were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. अब ऐसे लोगों को क्या मानना था कि जो थर्ड स्टेट है उनको by birth से ही काउंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो लोग भी अगर पढ़ लिख जाएंगे या कुछ करेंगे तो वो भी एक कुछ सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छा काम वो लोग कर सकते हैं, तो उन्हें हम बर्थ बाय बर्थ से हम लोग उनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं. देन क्या हो गया, रेदर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन दिस मेरिट. तो उन्होंने क्या रिवॉर्ड लिया कि एक जो पर्सन होता है उसको उसके मेरिट के हिसाब से जाना जाए, मतलब उसके काबिलियत के हिसाब से जाना जाए. दिस आइडियाज इन्वेस्टिंग अ सोसाइटी बेस्ट ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर पुट फॉरवर्ड बाई फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रोसियो. अब क्या होने लगा कि दो फिलोसोफर्स आए, उनका नाम क्या था, जॉन लॉक एंड जीन जैक रोसियो. अब उन लोगों ने क्या किया, लोगों को वहाँ पर समझाना शुरू किया फ्रीडम के बारे में, सोसाइटी के बारे में उनको बताना शुरू किया, बिकॉज उनका क्या आइडिया था, उनका क्या मानना था कि जो थर्ड स्टेट वहाँ पर जो है उनको उनके मेरिट के आधार पर पहचानना चाहिए, उनकी काबिलियत के हिसाब से पहचाना जाना चाहिए, ना कि वो लोग क्या काम करते हैं उसके हिसाब से उनको पहचाना जाए. देन क्या होने लगा, ये दोनों ही इन दो लोगों ने क्या करा, वहाँ के लोगों को थोड़ा सा समझाया, उनको थोड़ा सा गाइड किया, एंड देन इन लोगों के साथ में इन लोगों से प्रेरित होकर समझकर इन लोगों ने क्या करा, आगे जो है रिवोल्ट के लिए इन लोगों ने आगे सेटअप किया.